नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे भोपाल में पुलिस ने कैसे अपहरण कर लूट करने की घटना का किया चंद घंटे में पर्दाफाश, और रामपुर में कैसे सोना तस्करों से लूट के आखिरी आरोपी को रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। चर्चा होगी आगे रोहतास की, जहां जीविका दीदियों के द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भोपाल से, जो थाना अयोध्या नगर पुलिस ने अपहरण कर लूट करने की घटना का चंद घंटों में पर्दाफाश कर दिया। चंद घंटों में अपहरण कर लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए के इनाम की उद्घोषणा भी की गई थी। आरोपियों से लूटे गए रुपए और डंपर जब्त कर लिए गए हैं। चार आरोपियों द्वारा मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें कि अपराध में प्रयुक्त हथियार और वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। देखिए, जो अयोध्या नगर में कल रात्रि का घटना है, रात्रि 1:30 से 3 के बीच का घटनाक्रम है, उसमें एक डंपर चालक जो निजामुद्दीन कॉलोनी से टुवर्ड्स छोला साइड को जा रहा था गिट्टी लेने के लिए, तो उसको रास्ते में रोककर चार व्यक्तियों ने रोका, मारपीट करी और एक पत्थर भी मारा, उसके शीशा भी तोड़ा उस पर से। फिर उसके बाद उसके डंपर को लेकर चले गए और उसको ऑटो में लेके फिर इधर उधर 3-4 किलोमीटर घुमाते रहे परोन चौराहा होते हुए, और फिर अल्टीमेट उसको प्रभात और नादरा बस स्टैंड होते हुए उन्होंने उसे करोन पे छोड़ा था, ईटखेड़ी के आसपास। और उसने फिर अपने मालिक से बात बात करने के बाद वो रिपोर्टिंग करने आया था। उस मारपीट में उसका दांत भी तोड़ दिया गया है, दांत निकल ही गया है, और उसके पास जो पैसा था 9,000 रुपये समथिंग वो भी चला गया और उसका मोबाइल भी ले गया। ये घटनाक्रम हुआ था इसमें, नहीं गुलेल वुलेल वाली गैंग नहीं थी ये, बेसिकली दो मोटरसाइकिल्स पे आए थे और बाद में एक ऑटो से ऑटो में डालकर इसको ले गए हैं। इसमें प्राइमा फैसी चार लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें करण राठौर हैं और सलीम समीर, सलामत खान, शाहिद खान और एक, ये तीनों अभी हम लोग ने राउंड अप कर लिए हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल के एक निजी कॉलेज LNCT के कॉलेज के खाने में कीड़े निकले। निजी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के मेस में खाने में कीड़े निकल रहे हैं, कॉकरोच छिपकली भी निकल रही है। छात्राओं ने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन हालात नहीं बदले। कॉलेज प्रबंधन छात्राओं के स्वास्थ्य और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हॉस्टल की मेस में परोसे जाने वाले खाने की फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। छात्राओं के खाने में आए दिन कीड़े कॉकरोच निकलने पर शिकायत करने पर कॉलेज प्रबंधन ने उल्टा छात्राओं को ही धमका दिया। ये पहला ऐसा निजी कॉलेज संस्थान या हॉस्टल नहीं है जहां पर इस प्रकार की घटना घटी हो। राजधानी में लगातार कई निजी संस्थानों में ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं, लेकिन फिर भी खाद्य विभाग की नींद नहीं खुल रही। कोई भी मामला तूल पकड़ने के बाद या सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य विभाग ऐसे मामलों में संज्ञान लेता है, जबकि खाद्य विभाग को समय समय पर निरंतर खाद्य संस्थानों की जांच करनी चाहिए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जो आजम खान के लिए एक राहत भरी खबर इलाहाबाद कोर्ट से आई, जहां अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जमानत मिल गई है। लेकिन दूसरी तरफ रामपुर के MPA MLA कोर्ट में रामपुर के डूंगरपुर में जबरन खाली घर कराए जाने और लूटपाट करने और घर को तोड़ने के मामले में आजम खान के विरुद्ध चल रहे मामले में रफ्तार पकड़ ली है। अदालत में बचाव पक्ष की तरफ से बहस का अंतिम अवसर भी मिल चुका है और अब इस मामले में 29 मई को फैसले की तारीख लगा दी गई है। मुकदमा अपराध संख्या 556/19 में जो बादी अपराध है, इनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया थाना गंज में, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया कि दिनांक 6/12/16 में जो आरोपी हैं आजम खां, आर्य हसन, बरकत अली ठेकेदार, उनके द्वारा घर में घुस के मारपीट की गई, जान से मारने की कोशिश की गई और मकान को तोड़ के उनका सामान वामान लूट कर ले जाया गया। तो इस संबंध में ट्रायल चला था माननीय न्यायालय में, MPA MLA कोर्ट में। वहाँ पर एविडेंस जो अभियोजन की है वो पूरी हो गई, उसके बाद बचाव साक्ष्य में फाइल आ गई और बचाव साक्ष्य के बाद में फाइनल आर्गुमेंट में लग गई, जिसमें काफ़ी समय से बहस चल रही थी और आज बहस के लिए अंतिम अवसर दिया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा,
जिसमें जो वकील हैं बचाव पक्ष के वो पेश नहीं हुए, उनका स्थगन आया और स्थगन को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए 29 तारीख निर्णय के लिए लगा दी गई है। और साथ ही उनको ये मौका दिया गया है कि 28 तारीख में लंच से पहले वह चाहें तो अपनी लिखित बहस पेश कर सकते हैं या अपने बचाव साक्ष्य में कुछ कह सकते हैं, मौखिक बहस भी कर सकते हैं। मैम, इसमें कौन कौन सी धाराएं लगी थी? इसमें जो धाराएं लगी हुई हैं वो 452 है, 427 है, 307 है, 323, 504, 506, 120 भी है। मैम, इसमें आरोपी कौन कौन है? इसमें जो ट्रायल चल रहा है वो आरोपी जो मोहम्मद आजम खान है, बरकत अली ठेकेदार और आली हसन, लेकिन पूर्व की तिथि पर आली हसन की जो पत्रावली है वो अलग कर दी गई थी क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनकी प्रोसीडिंग इसके चल रही है। वर्तमान में मोहम्मद आजम खान और बरकत अली ठेकेदार इनका ट्रायल है। फैसला कब है? फैसले की जो तारीख लगाई गई है वो 29 तारीख लगाई गई है। तो मैम, इसमें मुख्य आरोप क्या लगा था आजम खान को? इसमें जो आरोप लगाया गया था, क्योंकि आजम खान इसमें 120वीं के आरोपी हैं, इसमें जो आरोप था कि वादी के घर में घुसकर जो अभियुक्तगण थे उनके द्वारा मारपीट की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, फायर किया गया और घर में घुसकर उनका मकान तोड़ दिया, बाकी जो सामान वगैरह था घर का वो लूट कर ले जाया गया। फैसला 29 तारीख को, 29 तारीख में निर्णय की तिथि लगा दी गई। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है जहां पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब सोना तस्करों से लूट के आखिरी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ में लूटे हुए सोने को जिस ज्वेलर्स ने खरीदा था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से एक सोने का बिस्किट, 35,000 रुपए नगद, एक तमंचा और एक कार बरामद हुई है। बता दें कि सोने के बिस्किट की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। विगत माह थाना मिलक में कुछ सोना तस्करों द्वारा सोना लाया जा रहा था, जिन्हें 5 व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी रोक करके लूट लिया था और उसमें से 4 व्यक्ति और लगभग 560 ग्राम सोना बरामद किया गया था पुलिस द्वारा। एक जो ज्वेलर्स था दिल्ली में, जिसको कि आधा माल लगभग 550 ग्राम सोना बेचा गया था, उससे जो पैसे प्राप्त हुए थे वो भी काफ़ी भारी संख्या में मात्रा में बरामद किया गया था। तो आज ये हमारी जनपदीय पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति इस फेर में घूम रहे हैं और पुलिस द्वारा उन्हें जब रोका गया तो रुके नहीं, हिकमत अमली से गिरफ्तार किया गया है। तो एक व्यक्ति जावेद नाम का, जो कि उस लूट कांड में था, फरार था, वो अरेस्ट हुआ है। साथ ही साथ जिस ज्वेलर को सोना बेचा गया था उसने जिस फॉर्म में आया था उसको चेंज करके बिस्किट के रूप में लाया था और कहीं बेचने की फिराक में था। 100 ग्राम सोना, 35,000 रुपये नगद जो लुटेरा था उसको इसके हिस्से के मिले थे और अवैध शस्त्र, एक कार बरामद हुई है इनके पास से और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई आपराधिक इतिहास नहीं? अभी तक तो कोई इनका अलग से आपराधिक इतिहास नहीं ज्ञात हुआ है। सोने की स्मगलिंग की जो चेन थी इसमें ये कौन सी कड़ी रही है और क्या अब तक इसमें कोई? देखिए, जो चेन क्या है उसमें तो बेसिकली दो ही कड़ी होती है, तीन कड़ी। ये मान लीजिए कि जो दुबई से सोना लाते हैं, जैसा मैंने खुलासा किया था पिछली बार, दुबई से टांडा तक लाने वाले टीम जो कि 4 लोग थे जिनसे सोना लूटा गया, और तीसरा है जहां वो डिस्पोज करते हैं ज्वेलर्स के यहां। बीच में अचानक इनके साथ घटना हो गई थी जहां सोना लूट लिया गया था। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। अब रोहतास से जो जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नांद और ग्राम पंचायत उल्हू की खबर है, जहां जीविका बीपीएम शिवसागर के मार्ग निर्देशन पर ग्राम पंचायत समन्वयक संजू देवी एवं जीविका दीदियों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भिन्न भिन्न नारों के साथ हाथों में मेहंदी रचाकर घर घर संपर्क कर कई माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया, जैसे छोड़ो अपने सारे काम, चलो करें पहले मतदान। वहीं इस मौके पर सीएफ रीना कुमारी, सरोज कुमारी, रूप नंदिनी कुमारी, शैलेंद्र कुमार, शारदा अनु कुमारी समेत कई लोग शामिल रहे। रोहतास से सीनियर संवाददाता ब्रजेश किशोर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।